दोस्तों, अगर आप महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री या कोई ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं अपना, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं आपकी जिंदगी बर्बाद ना कर दे यूनिवर्सिटी। मेरी जिंदगी इस यूनिवर्सिटी ने कैसे बर्बाद की आज मैं आपको बताऊंगा। मैं कितना परेशान हूं, आज मैं रोने के लिए मजबूर हूं इस यूनिवर्सिटी की वजह से। और इस वीडियो को बनाने का मकसद इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है ताकि मैं जैसे परेशान हो रहा हूं आज, कल के दिन आप लोग इस तरीके से परेशान ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो प्लीज अगर आप इस यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा कोई कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लो, क्योंकि बाद में बहुत बड़ी समस्या में आप फंसने वाले हो। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। हम आपको इसी प्रकार जानकारी लाते रहते समय समय पर चैनल पर। अगर आप पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर काम की लगती है आपको तो एक लाइक करके जरूर जाना, और इस वीडियो को खास करके आप अपने दोस्त वगैरह के पास शेयर करिएगा जो लोग इस यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा डिग्री करने जा रहे हैं, ताकि उन्हें भी मालूम चल सके इस यूनिवर्सिटी का काला सच। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की। तो देखो, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये डिस्टेंस से आपका जो भी डिप्लोमा या डिग्री है वो कराते हैं। यहाँ पर आप बीए वगैरह कर सकते हैं, एमए वगैरह कर सकते हैं, और भी यहाँ पर कई सारे डिप्लोमा इनके होते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी का मेन जो कॉलेज है वो है कटनी में और जबलपुर में। एक इनका कॉलेज कटनी में है मेन, और जो इनका हेड ऑफिस आप समझिए वो मेन यूनिवर्सिटी है इनकी जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में आप जहां पर रहते हो, आपके आसपास कोई अगर कॉलेज स्कूल है ना, तो वहां पर आपको एक तरीके से इनका समझिए आप मतलब कि इनसे अटैच करके और वो आपका डिप्लोमा करा देते हैं। मेरे आसपास अगर देखें तो दो चार कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से संपर्क करके और इनकी फ्रेंचाइज टाइप का ले लिया है, और वो यहीं से आपके कॉलेज से इस यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा करा देते हैं। मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपना बीए किया हुआ है एक साल पहले, लेकिन समस्या मुझे यार तब आई जब मैंने बीए कर लिया, और बीए करने के बाद सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने सोचा कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बीए के बाद एलएलबी में एडमिशन लेना था, तो मैं एडमिशन लेने के लिए गया भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल में। तो वहां पर मेरे से बोला गया कि आपने डिस्टेंस किया है अपना ग्रेजुएशन, तो आप हमारे लिए अपने ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो लाइएगा, टीसी लाइएगा। तो मैंने जब इनसे संपर्क किया कि मुझे टीसी चाहिए, तो इन्होंने बोला कि हमारे यहां से कोई टीसी नहीं दी जाती है, आपको हम टीसी नहीं दे सकते। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कॉलेज वालों से बात की, भैया टीसी तो मिलने वाली है नहीं, इन्होंने मना कर दिया। तो फिर मेरे लिए भावा कॉलेज से बताया कि अगर टीसी नहीं मिल रही है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। तो मैंने अपने जो कॉलेज थी वहां पर मेरे घर के आसपास, जहां से मैंने ये अपना बीए किया था, वहां मैंने संपर्क किया कि मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप इनको एक फॉर्म दिया मुझे वहां से, इस फॉर्म को भरिएगा और अपनी बैंक से 350-400 रुपए के आसपास एक डीडी बनवाइएगा, और इसमें अपनी मार्कशीट की फोटो वगैरह रख के और एक एड्रेस दिया कि इस एड्रेस पर सेंड कर दीजिएगा। तो मैंने कहा कि मुझे आप अपनी कॉलेज से दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हमारी कॉलेज से आपको यहां से कोई भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए जबलपुर एक कोरियर करना पड़ेगा। तो मैंने भैया वो कोरियर किया, और कोरियर किया मैंने प्राइवेट कोरियर के माध्यम से, डीटीडीसी कंपनी से कोरियर किया। तो कोरियर मेरा लगभग इनके पास 4-5 दिन के अंदर पहुंच गया था। इसके बाद मैं सोचा कोई बात नहीं, मेरा जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। तो मैंने 15 दिन का वेट किया, 15 दिन के बाद भी मुझे किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट वापस इनकी तरफ से नहीं आया, कोई कोरियर इनकी तरफ से नहीं आया। तो मैंने इनसे संपर्क किया, तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया, तो उन्होंने बोला कि आपका हम चेक करवा लेते हैं। तो मैडम ने बताया कि आपका जो कोरियर है वो तो आ गया है, लेकिन आगे की पता नहीं क्या कार्रवाई होगी, वो अंदर जो अधिकारी है वो देखते हैं इसके बारे में। तो मैंने बोला कि उनका नंबर दीजिएगा। तो मैंने इनके अधिकारियों को कॉल किया, जो इनके डिप्टी मैनेजर हैं जो भी है, तो 2 अधिकारियों का नंबर मुझे मिला, लेकिन एक ने भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैं लगातार 8 दिन तक कॉल करता, रात दिन में 2-4 बार कॉल करता, अलग अलग नंबर से ट्राई करता, लेकिन एक भी दिन मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। 8-10 दिन के बाद एक जो डिप्टी मैनेजर है उन्होंने मेरा कॉल रिसीव किया। तो मैंने बोला कि सर मेरे लिए बहुत जरूरी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे एडमिशन लेना है और मेरी फीस जमा हो गई है कॉलेज में। तो बोले आपकी फीस जमा हुई हो या कुछ भी हुआ हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जब भी हमारी मर्जी होगी तब हम आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको सेंड कर देंगे। मैंने कहा सर कोई फिक्स टाइम तो बताइएगा, 15 दिन लगेगा, 1 महीने लगेगा। बोले हमें कोई पता नहीं है, जब आपका यहाँ से जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब अगर आपको मैं बताऊं
तो मैंने नेक्स्ट 4 तारीख को कुरियर सेंड किया था, 30 तारीख भी निकल चुकी है और आज अगर देखे 27 तारीख है, यानी कि मैं अगर एवरेज बात करूं तो 2 महीना होने जा रहा है। 2 महीने के बाद भी मुझे कोई भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है कॉलेज से, और मेरे घर से जबलपुर की जो दूरी है वो है 490-500 किलोमीटर के आसपास। अब मैं यहाँ पर इतना बुरा फंस चुका हूँ कि आपको क्या बताऊं। इधर मैंने भाभा कॉलेज में अपना जो LLB का एडमिशन लिया है तो वहां पर मैंने फीस जमा कर दी है, और इधर इन्होंने मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो उधर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, तो वो फीस भी मेरी रिफंड नहीं हो रही है LLB की, इधर ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं फंस चुका हूँ भाई। अब किसी भी कॉलेज में डिग्री तो हमारे लिए कोई भी कॉलेज करा देगा, लेकिन उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट सर्विस कैसी है वो पता होना चाहिए। अब कल के दिन अगर आप इस कॉलेज से डिग्री कर लेते हो, बीए कर लेते हो, बीएड कर लेते हो, जो भी कर लेते हो भाई, मालूम चले कि आपको यहाँ से कोई TC मिल नहीं रही है या आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल नहीं रहा है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का क्या करोगे? कहीं भी किसी कॉलेज में एडमिशन ले नहीं पाओगे, क्योंकि डिस्टेंस है, ये पूरा प्राइवेट है और ये कोई सर्टिफिकेट आपको देते नहीं है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए। देखिए अभी 2 महीना हो चुका है मेरे लिए, नहीं मिला है सर्टिफिकेट, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई कंफर्म नहीं है। तो इस तरीके से हमारा तो पैसा भाई बर्बाद हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो हो सकता है कि मुझे दोबारा ग्रेजुएशन करना पड़े भाई, क्योंकि कोई भी कॉलेज मेरा एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं आपका जो कॉलेज है ये डिस्टेंस से है और आप सर्टिफिकेट लाइएगा, TC लाइएगा या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाइएगा, और ये सर्टिफिकेट देते नहीं है। मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, 20 बार इनको कॉल कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। जहां से हमने अपना जो ग्रेजुएशन किया है, हमारे आसपास जो कॉलेज है एक, तो उन्होंने बोला है कि हम बस आपका ग्रेजुएशन करा देते हैं, बाकी का सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए आप संपर्क करिएगा इनकी वेबसाइट जाकर के, उनका नंबर मिल जाएगा वहां पे, या आप जबलपुर जाएगा, यहाँ पर आपका कुछ भी काम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मैंने अपने जो कॉलेज थी जहाँ से मैंने BA किया था, उनसे बोला कि सर आप एक बार बात तो करिएगा अपने ऊपर कॉलेज से, हो सकता है आपकी बात सुन लें। तो बोले हम तो कॉल भी नहीं करेंगे। अब बताइएगा, मतलब जहां से आपने कॉलेज से अपना BA किया है वो टीचर, वो अधिकारी ऊपर तक बात भी करने के लिए रेडी नहीं है सर्टिफिकेट दिलाने के लिए। तो आजकल के भैया जो कॉलेज है, कैसे लोग जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज की स्थिति मैं ही समझ सकता हूँ ये, कि मेरा इधर फीस जमा हो चुका है LLB के लिए, उधर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, काउंसलिंग रुकी पड़ी है और ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, उधर कॉलेज वाले मेरी फीस भी रिफंड नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि फीस नॉन रिफंडेबल है, आप सर्टिफिकेट लाइएगा, काउंसलिंग करवाइएगा, वरना सीताराम कुछ भी नहीं होगा आगे। और अगर मैसी यूनिवर्सिटी का कोई भी कर्मचारी या कोई बड़ा अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज थोड़ा आप इस चीज पर गौर करिएगा, लोग जिंदगी बर्बाद मत करिएगा, आप इतनी मनमानी नहीं करें, और अपने अधिकारी को थोड़ा सा सिखाइएगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। हराम का खाने से पेट नहीं भरता, और इनके अधिकारियों को जरा भी तमीज नहीं बात करने की, इस तरीके से हड़काएंगे आपको, जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, जब टाइम मिलेगा जब दे देंगे। इस यूनिवर्सिटी में आपका कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो अगर आप इस कॉलेज से कोई भी डिग्री करने जा रहे हो तो प्लीज हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है, एक बार सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही आगे कुछ यहाँ पर करना, क्योंकि मैं फंस चुका हूं, कल के दिन आप ना फंस जाए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इस कॉलेज से बच के रहना। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यूनिवर्सिटी को बदनाम करना बिल्कुल भी नहीं है, जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बताई। अगर किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को मेरे इस वीडियो से प्रॉब्लम है तो मेरे से संपर्क करे, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास DD का प्रूफ है, मैंने आपके कॉलेज को सब कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसके बाद भी मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला, मेरा ये सवाल है आपसे।